हाय, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल कैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो सब लोगों के लिए जो डॉग्स पालते हैं उनसे रिलेटेड है। मैंने ये वीडियो बनाने की क्यों सोची उसके पीछे भी एक रीज़न है। आजकल मेरे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो बिगड़ जाते हैं। बीइंग ए ब्रीडर, ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब कोई केस बहुत बिगड़ा हुआ आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि काश ये बंदा मेरे पास पहले आ गया होता तो मैंने इसको सही एडवाइस कर दिया होता। अगर आप YouTube पर भी ढूंढेंगे या बाकी जगहों पर भी ढूंढेंगे तो आपको होम्योपैथिक से रिलेटेड बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे या ऐसे लोग मिलेंगे जो इसे सपोर्ट करते हों और आपको बता सके कि होम्योपैथिक भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन के लिए ऑप्शन है। जब हम डॉग्स की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करें, डॉग्स की बात करें, पेट्स की बात करें या ह्यूमन की बात करें, बहुत सारे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन अमेजिंग काम करती हैं। आप बोलेंगे कि क्या एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं करती? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि एलोपैथिक नहीं काम करती, क्योंकि हमारे आजकल के एनवायरनमेंट में एलोपैथिक के ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुका है कि मैक्सिमम बीमारियाँ इससे ठीक हो जाती हैं। लेकिन एलोपैथी या किसी भी मेडिसिन स्ट्रीम में अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस बहुत वजह से होती हैं, उसके मैं डीप नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो आपको कन्विंसिंग लगेंगी। देखिए, जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं, अगर हम मुंबई जाते हैं तो हम वहाँ पे जाने के लिए हम क्या चूज़ करते हैं? हम ट्रेन या प्लेन यूज़ करते हैं। उतरने के बाद में हम लोग वहाँ से फिर टैक्सी लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम सीधे ट्रेन से या बाई प्लेन हम अपने घर पे उतर जाएं। ये बताने का मेरा मकसद ये है कि सारी चीज़ें हर जगह काम नहीं आती। कहीं पर आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ती है, अपने ऑप्शंस चेंज करने पड़ते हैं। यही केस मैंने मेडिसिंस में भी देखा है। बहुत सारी जगह पे एलोपैथिक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती है, लेकिन जब माइन्यूट डिटेल्स की बात आती है, जब सपोर्ट की बात आती है, जब एयरपोर्ट से घर तक जाने की बात आती है, तो हम वहाँ से रिक्शा भी लेते हैं, हम वहाँ से ऑटो भी लेते हैं, हम वहाँ से पैदल भी चलते हैं। तो आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। बीइंग ए पेट ओनर, बीइंग ए पेट ब्रीडर, आपको पता होना चाहिए कि किस जगह के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस किस बीमारी के अंदर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम करती हैं। देखिए, जहाँ पे लीवर की प्रॉब्लम्स की बात आए, जहाँ पे किडनी प्रॉब्लम्स की बात आए, जहाँ पर सूजन, इंटरनल इश्यूज, मतलब इस तरह की दिक्कत आए, जहाँ पर मतलब बहुत बड़े लेवल पे एलोपैथिक मेडिसिन्स काम नहीं कर पाती, या फिर एज ए होल वो एक छोटी से इशू को ट्रीट नहीं कर पाती, वहाँ पे आपको होम्योपैथिक ऑप्शंस सोचना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एक केस बताता हूँ। अगर आपके डॉग को एल्बो के ऊपर एक बॉल फॉर्मेशन हो गया है, एल्बो हाइग्रोमा हो गया है, तो अगर आप एलोपैथिक में जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे ठीक है, हम एक काम करते हैं, सिरिंज से इसका पानी निकाल देते हैं और कुछ स्टेराइड्स दे के हम उसे सुखा देंगे। लेकिन जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एलोपैथिक यहाँ तक काम सही करता है, वो उसको ठीक कर देता है। आप उसको पपी को घर लेके आएंगे, डॉग को घर लेके आएंगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद होता क्या है, बॉडी की टेंडेंसी ख़त्म नहीं होती फ्लूइड बनाने की, क्योंकि वो जो फ्लूइड बन रहा होता है वो एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से बन रहा होता है, चोट की वजह से बन रहा होता है। उसको कैसे ठीक करें? उस ऐसे केसेस के अंदर होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। होम्योपैथिक अंदर से जो पानी बनने की टेंडेंसी है, जो वाटर रिलीज हो रहा है, जो पस रिलीज हो रहा है, जो ब्लड रिलीज हो रहा है, वो जो फिल होता जा रहा है उसके अंदर, उसको वो ख़त्म करती है। तो आपको बहुत सारे केसेस के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन्स को देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, क्योंकि मुझे डॉग पालते हुए करीबन 22-23 साल हो चुके हैं और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए हैं अपने डॉग को। मैंने अलग अलग जगहों पे धक्के खाए, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स, बहुत सारे मतलब ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचाया, बहुत नुकसान भी हुआ है, शायद मेरी कमी की वजह से या उनकी कमी की वजह से। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं उस स्टेज में हूँ जहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इस बीमारी के लिए इस ट्रीटमेंट से अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
अगर मेरे पास पे कोई एक्सीडेंट केस आता है, मैं उसको नहीं बोलता कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन करवाइए। आता है अक्सर लोग मेरे पास कॉल करते हैं कि सर मेरा एक पपी ना साइकिल के नीचे आ गया, बाइक के नीचे आ गया, क्या करना चाहिए, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दें, कौन सा होम रेमेडी दें। ये पागलपन के क्वेश्चंस प्लीज़ मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि किस केस में क्या मेडिसिन होती है। अगर कोई पपी गाड़ी के नीचे आ गया है तो वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन जादू नहीं करने वाली, वहाँ पे सपोर्ट चाहिए उसको। हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, हो सकता है कि बड़ा ट्रीटमेंट करना पड़े, लाइफ सेविंग ड्रग्स यूज़ करनी पड़े, तो वहाँ पे होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन फौरन काम नहीं करेंगी। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप चीज़ों को इवेल्युएट कर सकें। ऐसी बीमारियां जहां पे एलोपैथिक बहुत अच्छा काम नहीं करती, उसके अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूमर TVT फीमेल्स के अंदर होती है, केमोथेरेपी यूज़ करते हैं हम एलोपैथिक में, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में। बहुत ज़्यादा एडवांस केस ना हो या बहुत ज़्यादा ऐसा केस ना हो जहां पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हो, होम्योपैथिक ट्यूमर को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। सिर्फ TVT को नहीं, बॉडी के अंदर अलग तरह के ट्यूमर्स को भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करती है, बहुत सारे केसेस में क्योर कर देती है, बहुत सारे केसेस में उसकी ग्रोथ को रोक देती है, स्टन कर देती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम ये डाउट करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करेगी। आपसे गुजारिश है कि एक बार आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स या ऐसे लोग जो होम्योपैथी यूज़ करते हैं उनसे एक बार डिस्कस करके देखिए कि क्या इस केस में होम्योपैथिक काम करेगी। पार्वो डिजीज़ के अंदर हम लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन देते हैं पपी को, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि अगर हम एलोपैथिक के साथ में होम्योपैथिक भी यूज़ करें तो पपी बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, जबकि पार्वो के अंदर 60-70% डेथ केसेस होते हैं पपी के अंदर। होम्योपैथिक यूज़ करके हम उसकी अगर 15-20% को और इम्प्रूव कर सकें तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। हम अपने इस चैनल में ड्यूरेबल कैनल के अंदर बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिंस और उसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो सके कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर को भी प्रायोरिटी दें ट्रीटमेंट के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का नाम, जिसका नाम है ड्यूरेबल कैनल, के साथ में डिजीज का नाम डाल के यूट्यूब पे डालें, सर्च करें, आपको वहां पे 95% वो वीडियो मिल जाएगा जो हमने अपने पूरे 20-23 साल के एक्सपीरियंस के बाद बनाया है। मैं यहाँ पे मेडिसिन लोगों को प्रिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन उनको ये जरूर बताता हूँ कि क्या क्या मेडिसिंस उनके लिए काम आ सकती हैं। अंधे होके किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, ये आपके पेट की हेल्थ के लिए कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। किसी ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में जाके ही ट्रीटमेंट करें ताकि आपको ये पता चल सके कि जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो सही ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं बता सकूं कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिंस को भी अपनी ऑप्शन लिस्ट में रखें जब भी आपके डॉग बीमार पड़ते हैं। उन केसेस में जिसके अंदर किडनी इन्वॉल्व है, लीवर इन्वॉल्व है, हार्ट इन्वॉल्व है, ऐसे केसेस के अंदर लंग्स इन्वॉल्व हैं, पेट के अंदर पानी भर रहा है, ट्यूमर्स हो गए हैं, कहीं चोट लग गई है, हड्डी टूट गई है, ऐसे केसेस में होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे अच्छी बात होती है आप इसे लॉन्ग टर्म तक दे सकते हैं। जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जो लंबे तौर तक चलती हैं, उसके अंदर एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करने से आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का जो मेडिसिन का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बॉडी के बाकी फंक्शंस में इंटरफेयर करने लगता है। होम्योपैथिक के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में मेडिसिन यूज़ की जाती है, इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और मेडिसिन का कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक पे साइड इफेक्ट्स नहीं होते, गलत यूज़ करने पे होम्योपैथिक में भी साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन को अगर कंपेयर करें तो कम होते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट करें, साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का भी ऑप्शन रखें। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने पेट की केयर अच्छी तरह कर सकें। मेरे पास अक्सर बहुत सारे ब्रीडर्स के कॉल आते हैं, ब्रीडर्स के कॉल आने और उनके ज़्यादा कॉल करने से परेशान होकर ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, ताकि आप मुझे बार बार कॉल या मैसेज ना करके
एटलीस्ट मेरा एक बार वीडियो देख लें और उससे आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी कि आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे चलाना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल ना करें, मैसेज कर दें, मैं वक्त रहते आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको कोई राय देनी है तो आप ज़रूर दीजिए राय, ताकि हम अपने इस चैनल को आपके लिए और भी बेहतर बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।